तेज गति से विकसित होती भारतीय रेल नए भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसी दिशा में भारतीय रेल ने अपनी राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में रेलवे को पूरी तरह से ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत भारतीय रेल तीव्र गति से 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 6,366 रूट किलोमीटर का रिकॉर्ड विद्युतीकरण हासिल किया और साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और कोंकण रेलवे का पूरी तरह से विद्युतीकरण किया जा चुका है। युद्ध स्तर पर रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने में लगी भारतीय रेल ने 52,000 ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर से अधिक के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा भारतीय रेल अपने स्टेशनों और ट्रेन का संचालन सोलर एनर्जी के उपयोग से करने में लगी हुई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर प्लांट बनाया गया है, जिसके जरिए ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। वहीं चेन्नई में स्थित पुरैची तलेवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन और आंध्र प्रदेश में स्थित विजयवाड़ा जैसे रेलवे स्टेशन पूर्णतः सोलर एनर्जी से संचालित किए जा रहे हैं। रेल विद्युतीकरण से निर्बाध परिचालन में अपरिहार्य ट्रैक्शन परिवर्तन समाप्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप यात्री और मालगाड़ियों की ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। वहीं सुगम परिवहन के साथ कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया जा सकेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकेगा। भारतीय रेल का विद्युतीकरण हो जाने से देश के विकास को और गति मिलेगी, जिसके लिए भारतीय रेल कटिबद्ध है और जल्द ही नए भारत की नई रेल होगी 100% विद्युतीकृत।